हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल प्राकृतिक ज्ञान में। दोस्तों ये देखिए एक्सोरा कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है, और मैंने इसके अपना फर्स्ट फ्लावरिंग करने के बाद मैंने इस पर हार्ड कटिंग कर दिए थे, और हार्ड कटिंग के बाद ये मेरा दूसरा फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्तों मैं आज कुछ अपने कटिंग से ग्रो किए वाले प्लांट शेयर करूँगा, और साथ ही साथ मैंने किस तरह एक वेस्ट मटेरियल से हैंगिंग पॉट बनाया है और उसमें हैंगिंग प्लांट लगाया है, वो भी कटिंग से, क्योंकि वो मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। 400-300 रुपए में वो प्लांट मिलते हैं, और उसकी छोटी प्लांट कोई भी नर्सरी में हमारे यहाँ रांची में वो अवेलेबल रहती नहीं है। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मेरे आने वाली ऐसी वीडियो आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए मेरे गार्डन में अभी हिबिकस भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं, और इसकी पंखुड़ियाँ देखिए कितने अट्रैक्टिव और कलरफुल ऑरेंज कलर के हैं, और काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो देखिए, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा जैक फ्रूट, मेरे आंगन के जस्ट थोड़ा सा सामने लगा हुआ है। देखिए मैंने कि 2 लीटर का जो पेप्सी कोको कोला का बोतल रहती है उसमें मैंने बस लीफ मोड भर के और थोड़ा सा सैंड मिला के इसे ग्रो कर लिया, और ये काफ़ी अच्छा और हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। देखिए, और माफ़ कीजिएगा, मुझे इस प्लांट की नाम नहीं पता, इसलिए मैं आप लोग से नाम शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, पर जो भी है ये प्लांट काफ़ी सुंदर और ग्रीनी ग्रीनी लुक्स देते हैं। और उसी के बगल में मेरा टैंगल आर्ट है जो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ रांची में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और देखिए किस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं, और हैंगिंग ये टैंगल हार्ट मेरे गार्डन में बहुत ढेर सारा है, और मैं ऐसी सभी जगह इसे लगा देता हूँ। ये देखिए मेरा वंडरिंग ज्यू, मैंने इसे 10 रुपये के मग में ग्रो कटिंग से ग्रो किया हुआ, और मैंने इसे पेट्रोल पंप के गार्डन से मांगा था तो वो मुझे इजीली दे दिए। और ये देखिए चार्ली बेल, ये काफ़ी सुंदर अट्रैक्टिव दिखते हैं, इसके पत्ते बिल्कुल पुदीना की तरह। और मुझे ये प्लांट मैं बहुत दिनों से खोज रहा था, और मार्केट में ये 400-300 जैसे प्लांट की साइज़ में मिल रही थी, और इसकी छोटी साइज़ छोटे पौध नहीं थे, तो मैंने इसे एक फ्रेंड के घर से कटिंग से लाया था, और 2 महीना पहले इसे ये मैंने छोटे से पोट लिया था। इसका प्राइस 30 रुपया पड़ा था, और काफ़ी महंगा मिलते हैं हमारे यहाँ से ये प्लांट गमले वगैरह। और ये सकुलेंट वेराइटी का है, इसका कलर बड़ी अच्छा दिखता है, येल्लो, और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। इसे भी मैंने कटिंग से ग्रो किया, और ये मेरा एक वेरीगेटेड मनी प्लांट है, मैंने इसे भी अपने फ्रेंड के घर से लाया था, और छोटे से पॉट में मैंने इसे कटिंग से 2 महीने पहले लगा दिया था। और देखिए कितने अच्छा ये ग्रो हो गया है और काफ़ी हेल्दी है। बस ये है मेरा मैंडेविला पिंक, मैंने इसे बाय किया था और काफ़ी कॉस्टली मुझे मिला था, 350 के रुपये में मिला था, क्योंकि बहुत महंगा लगा था मुझे, लेकिन मैंने सोचा एक बार मैं इसे खरीद लूँगा तो मैं इसके कई पौध बना सकता हूँ। इस वजह से मैंने इसमें थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए, और काफ़ी अच्छा है। मैंने इसे थोड़ा सा सैंडी सॉइल और रिच सॉइल में लगाया है, और देखिए कितना अच्छा ये फ्लोरिंग कर रहा है, छोटे छोटे बर्ड्स भी इसमें बन रहे हैं। और ये देखिए मैंने इस पौधे का भी नाम नहीं पता, मैंने इसे बोतल में कटिंग से ग्रो किया हुआ, ये भी मुझे कहीं से मिला था। और ये हाथ से,
और ये हार सिंगार का है, इसे मैंने 80 रुपये में लिया था। और देखिए ये, इसे भी मैंने गार्डन सॉयल, कोकोपीट और थोड़ा सा खाद और लीफ मोड मिला के इसे लगा दिया है। और सामने से मेरा गार्डन कुछ इस तरह से व्यू देता है, ये देखिए। और साथ ही साथ कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं। और विंडो में मैंने ये 10 रुपये का हैंडल वाला मग में इसे टेंगल हेड को लगा दिया है। और यह भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसको लीफ मोड, पत्तियों वाला खाद और थोड़ा सा सैंड इसमें मिक्स करके लगा दिया है और काफ़ी ग्रीनी और स्टाइलिश लुक दे रहे हैं। और ये मैंने पेप्सी के 2 लीटर के बोतल में लगाया था, सेम वही सॉइल मिक्स मैंने इस पर यूज़ किया है। और देखिए कितने ग्रीनी और लंबे हो गए हैं और कितने घने हो गए हैं। तो घने लगाने के लिए हमें उस प्लांट की कटिंग थोड़े से काफ़ी सटा सटा के लगाना चाहिए, ताकि वे जब भी ग्रो करते हैं तो काफ़ी घने और बुशी हो जाते हैं, ये देखिए। और इसके नीचे की लंबाई की बात करें तो करीब 3-3.5 फीट हो गई है। और